वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे क्लास में डिस्कस किया था कि मैं सोशल साइकोलॉजी की जो जितने भी वीडियोस हैं वो अपडेट कर दूंगी, तो स्टार्ट करते हैं आज एथिकल प्रिंसिपल एंड इश्यूज इन साइकोलॉजिकल रिसर्च में। तो क्यों ज़रूरत पड़ी हमें साइकोलॉजिकल रिसर्च में, या जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स की क्या ही ज़रूरत थी? एज अ रिसर्चर तो हम अपना काम आराम से कर ही रहे थे, हम अपने काम को अच्छे से कर सकते थे और एज अ रिसर्चर उसे सोसाइटी के सामने प्रेजेंट कर सकते थे। पर साइकोलॉजिकल रिसर्च में मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि कभी कभी जो रिसर्च स्टडी होती है उसका जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि बिहेवियरल व्यू पॉइंट से तो पॉसिबल होता है पर मोरल व्यू पॉइंट से उसे करना पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे यदि कोई रिसर्चर यह स्टडी करना चाहता है कि अर्ली डिप्राइवेशन का बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि रिसर्च करते समय बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी होती हैं जो बिहेवियरल व्यू पॉइंट से तो पॉसिबल होती हैं पर मॉरल व्यू पॉइंट से पॉसिबल नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई रिसर्चर यह स्टडी करना चाहता है कि अर्ली डिप्राइवेशन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो बिहेवियरल व्यू पॉइंट से तो डेफिनेटली दिस इज़ अ परफेक्ट, ठीक है, रिसर्च, ठीक है, दिस अ परफेक्ट रिसर्च स्टडी। पर मॉरल व्यू पॉइंट से ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप ही सोचिए कि एक छोटा सा बेबी इन्फेंट पैदा हुआ है और उसे हम एनिमल्स की तरह उसके माँ बाप से अलग रखें और उस पर स्टडी करें, क्या ये हमारा मॉरल कहता है कि हाँ आप ऐसा करो? नहीं, प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से तो ये पॉसिबल है। भाई हम देख लें कि जो पैदा हुए बच्चे हैं अगर उनको हम माता पिता की देखरेख में पालें तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह डेवलप हो रहा है, और अगर उन्हें माँ बाप से दूर रख के पालें तो उन बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। लेकिन मॉरल व्यू पॉइंट नहीं कहता कि हम इस तरह की स्टडीज़ करें। तो इस तरह की मॉरल्स जो इश्यूज़ हैं वो साइकोलॉजिकल रिसर्च में अक्सर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी 1993 और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1992 ने मिलकर कुछ ऐसे ही इश्यूज को पहचाना और बताया कि रिसर्च करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहला है आपका प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। साइकोलॉजिकल रिसर्च की जितनी भी एथिकल कोड्स हैं उसमें इस बात पर फोर्स किया गया है कि साइकोलॉजिस्ट अपनी रिसर्च या एक्सपेरिमेंट में भाग लेने वाले सब्जेक्ट्स की वेलफेयर का ध्यान रखें, तथा इस बात का भी प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर पूरी तरीके से इंतज़ाम करें कि रिसर्च प्रोसेस में किसी भी तरीके का कोई भी फिज़िकल या मेंटल डैमेज ना हो सब्जेक्ट को, ठीक है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी सब्जेक्ट हमारी रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे किसी भी तरीके का कोई भी हार्म या डैमेज ना हो, ना ही फिज़िकल ना ही साइकोलॉजिकल, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पर्सन जो साइकोलॉजिकल रिसर्च में पार्टिसिपेट करता है उसकी जो हार्मफुल है, ठीक है, जिसको जो भी हानि हो रही है और सामान्य नॉर्मल लाइफ स्टाइल बिताने में जो हानि होती है उसके कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। भाई नॉर्मल लाइफ में आप कह रहे हो, नॉर्मल लाइफ में भी इंसान को इतना हार्म होता है तो आप उतना तो कर सकते हो कि भाई ठीक है, इंसान का हाथ पकड़ा तो कहते हो कि भाई इससे कोई किसी का हाथ पकड़ने से हम जो रिसर्च कर रहे हैं उस पर इंसान का हाथ बहुत टाइटली होल्ड करना है, ठीक है, इट्स ओके, ये रिसर्च स्टडी ठीक है टाइटली होल्ड करके उसका आपको सेंसेशन चेक करना है, इट्स ओके, पर उतना ही आप उसको टाइटली होल्ड कर सकते हो जहाँ पे उसको पेन फील ना हो रहा हो, जहाँ पे उसको दिक्कत नहीं हो रही हो, ठीक है। मतलब नॉर्मल लाइफस्टाइल में जितना वो हार्म सह सकता है, जितना वो पेन सह सकता है उससे कम ही आपको यूज़ करना है उसके ऊपर।
अगर स्टडी का कोई भी पार्ट ऐसा है जो सब्जेक्ट में ठीक है अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज डेवलप कर सकता है, तो आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन इफ़ेक्ट्स को, उन निगेटिव इफ़ेक्ट्स को हटा दें। और अगर यह किसी भी व्यू पॉइंट से पॉसिबल नहीं है और इस बात की पूर्ण पॉसिबिलिटी है कि इसका जो दुष्परिणाम है ठीक है, या इसका जो दिस एडवर्स इफ़ेक्ट है वो सब्जेक्ट पे होगा ही होगा ठीक है, तो मॉरल व्यू पॉइंट से इसे हम वैध या वैलिड नहीं समझते हैं ठीक है। और आपको एज अ रिसर्चर रिसर्च प्रोसेस का जो भी ये एडवर्स इफेक्ट होने वाला है सब्जेक्ट पे उससे आपको डिस्कस कर लेना चाहिए। तो ये तो हुआ प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट है इन्फॉर्म कंसेंट। ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी तथा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने साइकोलॉजिकल रिसर्च की दूसरी इम्पॉर्टेंट जो कोडिंग थी वो बताई कि इन्फॉर्म कंसेंट की समस्या को माना ठीक है, जहाँ तक या जब जब संभव हो, जब भी पॉसिबिलिटी हो रिसर्चर को रिसर्च की सभी एस्पेक्ट से सब्जेक्ट को फैमिलियर करवा देना चाहिए ठीक है, अवगत करा देना चाहिए कि ये आगे हो गया बेटा स्लाइड शो शायद गलती से लग गया है इसलिए, तो अवगत करा देना चाहिए कि ये चीज़ें होनी हैं ठीक है। तो उसमें इन्फॉर्म कंसेंट में क्या होगा, आप सारे एस्पेक्ट को जब बता दोगे रिसर्चर को तो जो शोध में आप उन भी चीज़ों को बताओगे जिससे उसका डिसीज़न इफेक्ट कर सकता है रिसर्च में उसके पार्टिसिपेशन को ठीक है। इतना ही नहीं, जो रिसर्चर होता है उसको उन पहलुओं के बारे में भी क्लियरली इंटरप्रेट कर देना चाहिए जिसके बारे में सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन करते हों। जब इन सभी एस्पेक्ट को जानकर सब्जेक्ट स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी विश प्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है, तो फिर उस रिसर्च के प्रति हम मान लेते हैं कि उसने इन्फॉर्म कंसेंट दिया है। इन्फॉर्म कंसेंट को साइकोलॉजिकल रिसर्च में आप लिखित अनुमति के तहत भी लेते हो। कई बार ऐसा भी आता है, ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे हम सब्जेक्ट को डायरेक्ट इन्फॉर्म नहीं कर पाते और जब रिसर्च की स्टडी में भाग लेने वाला जो भी सब्जेक्ट है वो बच्चा है या फिर ऐसा वयस्क है जिसकी समझ या बूझ एक मैच्योर एडल्ट से कम है, तो इस परिस्थिति में हमने क्या करना है, उस रिलेटेड पर्सन के रिलेटेड सब्जेक्ट के पेरेंट्स से बात करनी है, उनसे इन्फॉर्म कंसेंट लेना है। और अगर हमें परमिशन नहीं मिल रही है तो ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम मॉरल व्यू पॉइंट से एक्सेप्टेबल नहीं है और हमें नहीं करना है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ डिसेप्शन। यूज़ ऑफ डिसेप्शन का मतलब है धोखे का प्रयोग। कुछ साइकोलॉजिकल जो स्टडीज़ हैं उनका नेचर ऐसा होता है कि रिसर्चर के लिए उन सभी जो भी रिलेटेड मेन पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, सब प्रैक्टिकल से रिलेटेड या आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ठीक है, उन सबको बता पाना पॉसिबल नहीं होता जिसे उन्हें कहा जा सकता है ठीक है। हम नहीं बता पा रहे हैं सब्जेक्ट को सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसा करने से अगर हमने कहा तो उसका जो बिहेवियर है वो इफ़ेक्ट हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट हो जाएगी, हमने सारी चीज़ें बताई ठीक है। इतना ही नहीं, कई बार ऐसी भी सिचुएशन हो सकती हैं, ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है जिसमें सब्जेक्ट को बिना गुमराह किए किसी साइकोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी करना संभव नहीं हो पाता ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जानबूझकर सब्जेक्ट्स को गुमराह करा जाता है, उसे डिसेप्शन दिया जाता है ठीक है। लेकिन इसको साइकोलॉजिकल रिसर्च के एथिकल कोड्स के अकॉर्डिंग अप्रिशिएट नहीं किया जाता ठीक है, क्योंकि कई बार अगर हम इनको डिसेप्शन नहीं दे रहे हैं तो जो हमारी स्टडी का रिजल्ट है वो प्रॉपर आएगा ही नहीं आएगा ठीक है। तो इस तरह इंटेंशनल डिसेप्शन को मॉरल व्यू पॉइंट से एक्सेप्ट नहीं किया गया है और जहाँ तक संभव हो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन
दोनों ने ही इस बात पर जोर डाला है कि जो भी रिसर्चर हैं उन्हें कुछ ऐसा ऑप्शन ढूंढना चाहिए जिसमें डिसेप्शन की का कोई भी प्लेस ना हो। अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो, और अगर रिसर्चर ये मान रहा है कि ये दिए जाने वाला जो भी डिसेप्शन है वो मॉरल व्यू पॉइंट से परमिसिबल प्रोसीजर है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ठीक है, पर आपको मॉरलिटी का प्रॉपर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिब्रीफिंग ऑफ सब्जेक्ट। डिब्रीफिंग ऑफ सब्जेक्ट का मतलब क्या है? मतलब कि सब्जेक्ट को एक्सपेरिमेंट के बाद प्रयोग के बारे में जानकारी देना। ठीक है, जितनी भी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं उनमें सब्जेक्ट ने भाग लिया, डेटा कलेक्शन के बाद उन्हें स्टडी के नेचर के बारे में और पूछी जाने वाली जितनी भी बातें वो आपसे पूछ रहे हैं उन्हें बता देना चाहिए। रिसर्चर को रिसर्च प्रोसेस के साथ हुए अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें बताना चाहिए ताकि रिसर्च का कोई भी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड अगर इफ़ेक्ट हुआ हो तो उसे कंट्रोल किया जा सके। इतना ही नहीं, यदि रिसर्चर को ऐसा फील हो रहा है कि सब्जेक्ट पे कोई भी अनएक्सपेक्टेड इफ़ेक्ट पड़ गया है, अब तो पड़ ही गया है कोई अनएक्सपेक्टेड इफ़ेक्ट, तो उसे दूर करने के लिए उसे एक्टिव इंटरवेंशंस होते हैं, मतलब कि एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर टाइप की चीज़ें होती हैं, उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, इसीलिए रिसर्चर को रिसर्च करने के लिए जो भी वो आउटलाइन प्रोग्राम शेड्यूल बनाता है और उसमें जो भी डेटा कलेक्ट करता है और पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चंस का जो भी आंसर होता है, ठीक है, उसके लिए भी टाइम खाली रखना चाहिए कि भाई हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो काम नहीं ख़त्म हो जाता, ठीक है, हम सब्जेक्ट को विदा नहीं कर देंगे, उसके द्वारा जो भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे हम उसका भी आंसर देंगे, उसके लिए भी हमें अपनी आउटलाइन में एक प्लेस रखना है। ठीक है, अपने स्टडी में, अपने एक्सपेरिमेंट में एक जगह वो भी रखनी है जहाँ पे हमें उसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये नहीं कि हमारा काम ख़त्म हो गया तो हम उसको विदा कर दें, आपको उसको भेजने से पहले उसके सारे क्वेश्चंस को जिसके जो भी उसके माइंड में चल रहे हैं उनको क्लियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स राइट टू विदड्रॉ फ्रॉम इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि स्टडी से अलग हट जाने का सब्जेक्ट का राइट है। कोई भी स्टडी जब भी स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने के पहले ही रिसर्चर को सब्जेक्ट से ये क्लियर कर देना चाहिए कि हालांकि वो इस स्टडी में, इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे चुके हैं, फिर भी किसी भी समय अगर उनको ऐसा फील होता है कि उन्हें रिसर्च से अलग हट जाना है तो वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, उस रिसर्च को वहीं पे छोड़ सकते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में सचमुच में कहा जाए या रियलिटी में रिसर्च प्रोसीजर के दौरान हुए अनुभवों को, जो भी से एक्सपीरियंस हो रहे हैं, स्टडी चल रही है, हमारी एक्सपेरिमेंट चल रहा है और उस सब्जेक्ट में हमारी एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना कंसेंट दिया है, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बीच में ही उसे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं और उन एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए वह ये डिसीजन लेता है कि उसे अब, ठीक है, उसे करंट समय से अब इस रिसर्च स्टडी का पार्ट नहीं बनना, तो वो वहाँ से जा सकता है और अपने डेटा को वहाँ से हटाने के लिए कह सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एज अ रिसर्चर ऐसा नहीं कर रहे हो तो इसे मॉरल व्यू पॉइंट से एक इशू माना जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्चेस, यानी कि ऑब्जर्वेशनल रिसर्चेस में सब्जेक्ट्स की प्राइवेसी पर प्रहार या इन्वेजन। जैसे कि साइकोलॉजिकल रिसर्च जो डेली लाइफ की नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती हैं उनमें कुछ मॉरल या एथिकल प्रॉब्लम्स भी हमें अपने सामने खड़ी दिखाई देती हैं, क्योंकि जो ऐसी रिसर्चेस होती हैं, ऐसी स्टडीज़ होती हैं, उनका नेचर ऐसा होता है कि हमें इन्फॉर्म कंसेंट नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्टडीज़ में रिसर्चर की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं
उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी और वेलफेयर, साइकोलॉजिकल वेलफेयर का हम ध्यान रखें। इन्फॉर्म कंसेंट नहीं मिलने के कारण ऑब्जर्वेशनल रिसर्चेस सिर्फ उन्हीं प्लेसेस, उन्हीं सिचुएशन में की जाती हैं जिस सिचुएशन में साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन करना पसंद करते हैं। किसी भी रीजनल कल्चरल वैल्यूज़ तथा इस टाइप के जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि किसी की भी प्राइवेसी को हम इन्वेज ना कर पाएँ, ठीक है। और अगर करते हैं तो एक अलग ही मॉरल इशू डेवलप हो जाता है। तो आपको रिसर्च करते समय इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का ध्यान रखना है कि आपको किसी की भी प्राइवेसी को डैमेज नहीं करना। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी ऑफ डेटा, यानी कि आंकड़ों की गुमनामी और गोपनीयता। साइकोलॉजिकल रिसर्च में जो भी सब्जेक्ट है उनसे हमें जो भी डेटा मिल रहा है उसको हमें क्या करना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी मॉरल इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। एथिकल कोड जो है वो इस बात पर जोर डालता है कि रिसर्च के दौरान सब्जेक्ट से हमें जो भी डेटा मिला है उसे हमें क्या करना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, और हम रखते भी हैं। पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी डेवलप हो जाती हैं जहाँ ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला इशू क्या हो जाता है, हम प्रॉपर फुलफिल नहीं कर पाते। ये सिचुएशन कब होती हैं, जब सब्जेक्ट को क्या हो, इमीडिएट डेंजर हो, ऐसे सिचुएशन में साइकोलॉजिकल रिसर्चेस से जो भी हमें कॉन्फिडेंशियल डेटा मिला है उसे हमें प्रोफेशनल्स को या जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस है, कोर्ट है, उनको बताना चाहिए। भाई आप एक क्रिमिनल का डेटा इकट्ठा कर रहे हो और वो कोई ऐसी योजना बना रहा है जिससे हमारी सोसाइटी को या उसको खुद को या अगल बगल वालों को हार्म है, तो आपको क्या करना है, तुरंत ही प्रोफेशनल्स को बताना है। यदि सब्जेक्ट के कॉन्फिडेंशियल डेटा के बारे में इम्पॉर्टेंट एक्सपर्ट से बातचीत करना ज़रूरी है तो आप उनसे बातचीत करें, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंशियलिटी के इशू को यहाँ भंग कर सकते हैं। अगर स्वयं सब्जेक्ट कुछ सेलेक्टेड व्यक्तियों से अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा के बारे में बताने की इन्फॉर्म कंसेंट देता है तो भी आप उस टाइम कॉन्फिडेंशियलिटी का जो कोड है उसको तोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, सब्जेक्ट को इस उम्मीद का भी राइट है यदि उनके डेटा को प्रकाशित करना अनिवार्य है तो उसमें उनका नाम नहीं दे रहा। हम लोग कहते हैं ना एक्स वाई जेड लिखो, प्रैक्टिकल में नाम नहीं लिखते, ठीक है। जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर रिसर्चर ऐसा नहीं करता है तो इसे क्या होता है कि मॉरल जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। भाई आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन का आईक्यू निकाला और आपने उसको पब्लिश कर दिया उसके नाम के साथ, तो ये तो एथिकली ठीक नहीं है ना बेटा। अगर किसी कारण से इस ढंग की कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, या अनोनिमिटी को बरकरार रखना रिसर्च में पॉसिबल नहीं है तो जो भी आपका जो फैक्ट है, ठीक है, उसे रिसर्च के प्रारंभ होने से पहले ही हमें सब्जेक्ट को दे देना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जितने भी आपके एथिकल इश्यूज़ को मैंने बताया है एथिकल कोड्स के साथ डिस्क्राइब करते हुए, तो ये यही कहता है कि जितनी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च है उसमें जो ह्यूमन सब्जेक्ट पे जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जब उन पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी मॉरल इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, और इन इश्यूज़ के सॉल्यूशन के लिए हमें ब्रिटिश साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कुछ एथिकल कोड्स बना रखे हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ हम एक अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, उसकी जनरलाइजेशन है और हमने जो भी काम किया उस पर कहीं भी कोई भी मॉरल और एथिकल इशू नहीं था, ठीक है। तो बेटा ये आपका था एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, छोटा सा है, समझ लो, कॉन्सेप्ट की हेडिंग याद रखो, उसके अंदर क्या था इसको याद रखो, तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच बच्चों।